हाय एवरीवन, कुकरी किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी भंडारे में बनने वाली आलू की सब्जी जरूर खाई होगी और सभी को उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। तो आज मैं आप सभी के साथ यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसे अच्छे से गर्म करेंगे। अब गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और अब ऐड करेंगे मसाले। मैंने लिया 1 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, 7 से 8 डालेंगे काली मिर्च और 1 डालेंगे तेज पत्ता। कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें पका लेंगे। अब हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच साबुत धनिया। अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से तड़क जाएगा तब हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मसाले पक जाएंगे तब मैं डालूंगी 3 कद्दूकस किए हुए टमाटर। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मिक्स कर लेते हैं सभी चीजों को और कम से कम 2 मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है। अब हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वादानुसार। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। कम से कम 5 मिनट के लिए हमें इस मसाले को पकाना है। अच्छे से मसालों को पकाना है ताकि बिल्कुल भी कच्चापन हमारे मसालों में नहीं रहना चाहिए। और जब तक पकाना है, जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे ग्रेवी का कलर चेंज हो रहा है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम ऐड करेंगे 5 उबले हुए आलू जिसे मैंने मैश कर लिया है। थोड़ा अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने इन्हें हाथों से ही मैश किया था ताकि कुछ पीसेस बड़े छोटे हर तरीके से हमें मिले। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और कुछ देर के लिए हमें आलू को पकाना है ताकि सारे मसाले अच्छे से आलू में मिल जाएं। मैं इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेती हूं। मसाले अच्छे से आलू में मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और 1 छोटाई चम्मच हींग। हींग मैंने लास्ट में इसलिए डाली है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है लास्ट में। अब 1 से 1.5 कप मैं पानी डाल दूंगी। ग्रेवी आपको जितनी बनानी है आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अगर आप पतली ग्रेवी यानी कि थोड़ा सा रसेदार सब्जी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। मिक्स कर लेते हैं। और 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम पकाने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो गया है, हमारी सब्जी बिल्कुल पक गई है।
अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और काफ़ी सारा धनिया डाल देंगे। हमारी भंडारा स्टाइल आलू की सब्ज़ी तैयार है। इसे गर्मा गर्म पूरी के साथ सर्व कीजिए और दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।